कल भी उन्होंने हमारे मकान तोड़े ने हमारी औरत उठा दो तो कुछ मसलो हल थी ना इते वे बाजी तोवत भी ऐसा तमाम तो बाजी पाक खड़ी अभी वोट ता जो हां तू मथे चढ़ी वही है मां तोके डिठो चे तो हाने बाजी लांदी ना बजे कुछ गल तो ना कुरान पाक पूरो डेलीगेशन वोट आयो हो उते इस्लामाबाद ओ नहीं भी वोट भी तो जो ये तो बिली है उस दिन शाह साहब को भी तो लिए ना मैंने आपके सारे लोगों को कहा आप ये मिजाज खत्म करें मैं आपको अभी हमें आपके लोगों ने वायदा किया वादा वाकई किया है हमने किया या नहीं किया फिर क्या था बाजी किधर पे नहीं हर नहीं कोई चीज रोड से बैठे आपने वायदा किया या नहीं किया हम मिजाज खत्म करेंगे क्योंकि आपका मसला इधर खड़े होने से तो नहीं होगा आप सुन जाएंगे मेरे पास वहाँ पे हमें जाने ही नहीं देते हमारे घर ही नहीं है वो पुलिस जाती है मैडम क्या आप मीडिया के सामने कैमरे के सामने जिम्मेदारी लेती हैं इनकी जान के लिए चली जाती हैं इशू ये है इशू इज कॉम्प्लिकेटेड इशू ये है जब घर में जाता पुलिस उठा के एक सिटी में एंटी टेररिस्ट जज इट्स नॉट अ जुडिशियल इशू सिविल हुकूमत का होता तो ये मसला नहीं एक सिटी एंटी टेररिज्म जज जो है उसके वाले और उनका ये इल्जाम है कि इन्होंने जिसने भी किया ये अपनी जगह कई लोगों के साथ जो बिल्कुल बेगुनाह है उनके साथ जुड़ा हुआ है और मैं बिल्कुल मानती हूँ लेकिन उसमें एज अ सेड एक एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज है उससे हमारी बात चल रही है उन्होंने ये गारंटी दी है कि ये मास सगा जो बंदा एक मुल्ज़िम है और उसकी फैमिली जैसे ये वापस आ जाए इनको कुछ नहीं मैं इनका जिम्मा लूँगी कि ये वापस अपने इलाके में आ जाए वैसे तो हालांकि मैं उस हल्के की MLA नहीं हूँ लेकिन क्योंकि मैं कहती की हूँ ये मेरे इलाके के हैं मैं जिम्मा लेती हूँ कि ये सब के सब वापस आ जाए कुछ नहीं हो और ये मैंने इनको पहले भी 3 दिन पहले इनको कहा था इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैडम आप एक दफ़ा आ जाए हम अपना एहतजाज कर अब वो अभी भी मुतमईन नहीं है तो उनको हम कोशिश करेंगे मैडम नफीसा ने देखो ले लिया जिम्मेदारी तो आप कम करते हो देखे मीडिया के सामने उन्होंने कह दिया आप जाएं दोबारा मसला होगा फिर आ जाइएगा माँ बैठी एहतजाज खत्म करो माँ अभी तुम रखो उर्दू में अब हमारे बिरादर के एक आदमी को वो अपनी बहन के घर गया है उसको डंडे मार के उसको पाथरी बंद अच्छा अब इन्होंने ले लिया वो जब जाएंगे फसल बिलाते हैं आप बताइए कोई भी केस अब तो उन्होंने ले लिया जिम्मेदारी आपकी भी और उसकी भी आप कैमरे के सामने कह दिया है कोई मसला दोबारा फिर आना कैमरे के सामने आ गए थी कैमरे के सामने उन्होंने कैमरे के सामने ले लिया लिखने की जरूरत नहीं देने की जरूरत नहीं है जिसने मर्डर किया है क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली वो खतरे जब तक उनका उसके पास खुद अपने अख्तियार हैं पावर्स हैं दे हैव द एंटायर पुलिस एट देयर डिस्पोजल हमारे कहने पर नहीं हो रहा है जो हो रहा है वी आर विद देम लेकिन मैडम दूसरी तरफ से इनमें हुकूमत भी आपकी है और पाकिस्तान पीपल पार्टी भाई वो क्या कहते हैं असगर और दूसरा ये अगर किसी जज का कोई वालिद कत्ल होता है तो इसके इल्जाम में जज जो है वो लोगों को इंसाफ देने के बजाय लोगों को घर से बेघर कर देते हैं तो सिंध का इंसाफ से भाई क्या हम तो वोट पीपी को ही देते हैं हमारी गलती कौन सी हम वोट पीपी को देते हैं हम तो दो इलेक्शन होती है पीपी को वोट देते हैं किसी को वोट नहीं देते पीपी को देते हैं मैंने फैसला लिया है कि आप चले मैं आपको वहां खुद आपको सेटल कराऊंगा बट दे आर नॉट विलिंग अब जब ये मुतमईन हो मैं आई कैन नॉट फोर्स देम कि आप मेरे साथ चलें वी कैन ओनली कन्विंस देम बार बार इनसे बातें की है नेगोशिएशन की है वोटे उससे भी बात की है और मैं ये बात मानती हूँ कि इनके साथ जो भी
जो है कार्रवाई नहीं करानी चाहिए।